हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है मैंगो केक। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मैंगो केक बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी केक बनके रेडी है। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनता है। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। केक बनाने से पहले सबसे पहले हम अपने इस केक के पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें मैदा डाल के इसको कवर कर देंगे। मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और केक हमारा पैन में चिपकेगा नहीं। ये देखिए, मैदे की हमने अच्छे से कोटिंग कर दी है। अब जो एक्स्ट्रा मैदा बच गया है उसको हम अलग कर देंगे। ये देखिए, केक का मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये केक हम बनाएंगे कढ़ाई में, माइक्रोवेव में हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको कढ़ाई में। तो चलिए पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। ये देखिए, गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसको हाई फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। आप इसको ढककर ऊपर से किसी ढक्कन से ढक दीजिएगा, तब इसको प्रीहीट करिएगा। और मैंने इसमें एक स्टैंड भी रखा है, इसके ऊपर हम अपना एक मोल्ड, केक का मोल्ड रखेंगे। तो चलिए हम इसको प्रीहीट करने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो कढ़ाई को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। तो अब हम केक का बैटर रेडी करते हैं। तो हम यहाँ मैंगो केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप कटा हुआ मैंगो, इसका पल्प निकाल लिया है मैंने। और उसी कप से मैंने ली है यहाँ पे 1/2 कप चीनी। मैं पाउडर शुगर नहीं ले रही हूँ। और 1/2 कप ऑयल। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको एक अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये 1 कप मैंने मैदा लिया है, आप आटा भी यूज कर सकते हैं। ये मैदा आप छान के लीजिएगा, छन्नी से छान लीजिएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने का सोडा है ये। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसको ऐसे ही चलाइएगा आप और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। एक ही साइड चलाइएगा और अच्छे से मिक्स करिएगा। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक ही साइड आपको ऐसे ही इसी उसमें चलाना है क्लॉकवाइज। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका। ये 1 चम्मच हम विनेगर डालेंगे। इसमें हमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सिरका डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डालिए, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिल्क पाउडर डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। अब हमें इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो पैन में ये मोल्ड, केक का मोल्ड था, उसको हमने मैदा से और ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे पूरा। ये देखिए, केक के मोल्ड में मैंने ये पूरा बैटर डाल दिया है। अब हम इसको ऐसे
टैप डैप कर देंगे ताकि जो भी एयर बबल है वो निकल जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है 10 मिनट के लिए। अब हम इसमें ये केक के मोल्ड को रख देते हैं। ये देखिए कढ़ाई हमारी अच्छे से 10 मिनट के लिए प्री हीट हो चुकी है। अब हम ये केक का मोल्ड इसमें आराम से आप रख दीजिएगा और इसको ढक के 20 से 25 मिनट तक इसको बेक करना है। तो चलिए हम इसको 20 से 25 मिनट तक अच्छे से बेक करने के लिए छोड़ देते हैं। कढ़ाई को आप ऊपर से अच्छे से कवर कर दीजिएगा ताकि जो भी अंदर से भाप बने तो वो बाहर ना आए। ये देखिए 20 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो अभी ये केक हुआ नहीं है, तो हमें 20 मिनट के लिए और इसको बेक करना पड़ेगा। तो हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए केक हमारा बेक हो चुका है। 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था तो ये नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 20 से 25 मिनट तक और इसको रखा और इसको बेक करने के लिए छोड़ दिया। अब हम एक चाकू की हेल्प से इसको चेक करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चाकू लिया है। पहले हम सेंटर में देख लेते हैं। अगर हमारा चाकू एकदम क्लीन आता है तो समझिए कि ये केक बेक हो चुका है। आप टूथपिक की हेल्प से भी इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए सारी जगह मैंने इसको चेक कर लिया है, ये चाकू क्लीन आ रहा है, मीन्स हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। केक को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको बेक करना है और मिनिमम इसमें 45 मिनट मुझे लगे हैं। तो अब हम केक को ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक चाकू की हेल्प से साइड साइड से रिमूव कर देंगे और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसको हमें इस तरीके से कर देना है। ये देखिए केक में हमने जो ऑयल और मैदा का यूज किया था ग्रीस करने में, इससे केक हमारा बिल्कुल भी इसमें नहीं चिपका है और बढ़िया स्पॉन्जी केक बनके रेडी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक बनके रेडी हुआ है। तो ये देखिए मैंगो केक हमारा बनके रेडी है। इसको हमें बेक करने में 45 मिनट लगे हैं और हमेशा याद रखिए केक को हमें आधा ही भरना है, पूरा बैटर इसमें मत यूज करिएगा क्योंकि केक फूलता है तो ओवरफ्लो ना हो जाए, इसलिए आप आधा ही भरिएगा। तो ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी केक बनके रेडी है। तो अभी मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और स्पॉन्जी केक बन के रेडी है। तो आप जरूर ट्राई करिए और घर पे जरूर बनाइए और बच्चों को भी पसंद आए तो उन्हें जरूर खिलाइएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक बन के रेडी है और बहुत स्पॉन्जी केक बना है। तो सो गाइस अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या कोई अदर एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।